टाइटल तो देख ही लेगा कि कौन सी बाइक के बारे में हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये बाइक है रॉयल इनफील्ड की 2022 मॉडल कॉन्टिनेंटल GT 650। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये बाइक आती है कैफे रेसर की कैटेगरी में और देखने में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले और देखने वाले कि इस बाइक में आपको क्या कुछ स्टाइलिश एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ये बाइक कितना पावर प्रोड्यूस करती है V6 इंजन के साथ। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इस बाइक के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो सेक्सी बीस्ट जिसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये है रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन और ये BS6 मॉडल है। आप लोग तो कलर स्कीम्स का देखकर समझ ही गए होंगे कि ये BS6 मॉडल है, BS4 में ऐसा कलर नहीं आता था। तो इसके लुक के बारे में मैं खुद ज़्यादा इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो इसके लुक के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं है क्योंकि ये बाइक कैफे रेसर कैटेगरी में आता है और इसका लुक ही ऐसा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैफे रेसर एक बाइक है। तो इसका हैंडल बार का जो पोजीशन होता है वही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है नॉर्मल बाइक से, जो कि इसे कैफे रेसर बाइक बनाता है। और इसका सीटिंग पोजीशन और फुटपेक का पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा पीछे होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि रेट्रो स्टाइल में होता है, रॉयल इनफील्ड अपने सभी बाइकों में देता है ये राउंड शेप का हैलोजन, इसमें आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हैलोजन यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। नीचे आपको वाइट कलर के अंदर DRL देखने को मिल जाता है और दोनों साइड ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं हैलोजन के अंदर। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मस्कुलर इस बाइक को एक एलिमेंट देता है। यहाँ पर आपको रबर की बुशिंग दी गई है जो कि इस बाइक के ओवरऑल लुक को काफ़ी ज़्यादा बल्किनेस ऐड करता है। और यहाँ पर आपको शॉर्ट सा एक मडगार्ड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत स्टाइल के अंदर, यानी कि काफ़ी कैफे रेसर स्टाइल के अंदर इसे आप बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मली बाइक में ऐसे आपको इस टाइप का मडगार्ड देखने को नहीं मिलता। बाकी फ्रंट टायर के बारे में बात करते हैं तो मेरे हिसाब से फ्रंट में आपको हाँ यहाँ पर आपको 100x90 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको काफ़ी बड़े साइज का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है जिसका ब्रेक बाइक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसमें आपको बाइब्री के ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाते हैं विद डुअल चैनल ABS। और दोस्तों इसका ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, मैंने अभी इस बाइक को चलाया तो मुझे इस बाइक से प्यार हो गया इसके ब्रेकिंग और इसके पावर से। अब दोस्तों बात करते हैं इस खूबसूरत से बीस्ट के साइड लुक के बारे में। तो साइड लुक आप लोग देख सकते हैं इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और खास करके इस कलर स्कीम के अंदर ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। डुअल टोन के अंदर ये कलर स्कीम है, व्हाइट यहाँ पर स्ट्राइप दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्लू स्काई ब्लू कलर है यहाँ पर और ये ब्लैक है ग्लॉसी ब्लैक। और फ्यूल टैंक का जो ये नॉब है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डिज़ाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी दोस्तों इंजन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको डुअल सिलेंडर 650cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ह्यूज साइज का है और पावर भी काफ़ी ह्यूज जनरेट करता है। तो ये अप्रोक्स आपको 50 Nm का टॉर्क और 48 BHP का पावर जनरेट करता है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पंची आपको फील होता है जब आप इसे चलाएंगे तो आपको प्यार हो जाएगा इस बाइक से। बाकी यहाँ पर आपको इस बाइक का रेडिएटर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज का है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि डुअल एग्जॉस्ट पाइप निकला हुआ है जो कि एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे से खास करके सेक्सी लगता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस एंगल से आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बाइक सेक्सी लग रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रियर में आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है विथ नाइट्रॉक्स, तो दोनों साइड आपको नाइट्रॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके चलते आपको इस बाइक से काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो उसका स्पीडोमीटर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो पूरा रेट्रो स्टाइल के अंदर इसका स्पीडोमीटर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं एक नॉब स्पेशल दिया गया इस बाइक के स्पीड को शो करने के लिए, एक दिया गया इसके RPM मीटर को शो करने के लिए। तो ऑन कर दी ये बाइक फुल स्वाइप करती है जिसके चलते देखने में मतलब काफ़ी एक अलग ही फीलिंग आता है। और यहाँ पर आपको फ्यूल शो होता है ऑडो और टॉगल यहाँ से करेंगे तो ट्रिप ए और ट्रिप बी इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप इस बाइक से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, काफ़ी लिमिटेड फीचर्स है बट इस बाइक के फीचर्स से कोई खास मतलब नहीं। इस बाइक का जो मेन जो एलिमेंट है जो कि इसे सेक्सी बनाता है वो इस बाइक का लुक और इस बाइक का पावर। और इस साइड में आपको सारे ही वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाते हैं और 9000 तक का मार्किंग दिया गया है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल जैसे सभी बाइक्स में होता है यहाँ पे सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस बाइक का फुल डिटेल रिव्यू, हम लोगों ने इस बाइक के सारे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में कवर किया तो आप लोगों को लगभग इन्फॉर्मेशन मिल ही होगा इस बाइक के बारे में। बाकी दोस्तों आप लोग हमें ये कमेंट करके बताएं कि किसकी किसकी ये जो बाइक है कॉन्टिनेंटल GT 650 एक ड्रीम बाइक है, मेरी तो पर्सनल एक ड्रीम बाइक ही है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कोई ऐसी बाइक का कॉन्टेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक दे दें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखते रहेंगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलने किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, इसके लिए स्टे ट्यून्ड।